नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। माखन नगर मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों का मनोनयन किया गया। इसी तारतम्य में श्री माखन लाल चतुर्वेदी शासकीय महाविद्यालय माखन नगर में जन भागीदारी अध्यक्ष के पद पर माखन नगर से श्री सुरेश अग्रवाल जी ने आज जन भागीदारी अध्यक्ष की शपथ लेकर अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। महाविद्यालय खेल प्रांगण में सोहागपुर विधायक माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी ने माननीय श्री सुरेश अग्रवाल जी को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। सर्वप्रथम समस्त मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन एवं हमारे माटी की लाल राष्ट्र कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की फोटो पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उनको याद किया गया। इसके पश्चात स्वागत समारोह की बेला के दौरान समस्त मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं पुष्पहार द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत उद्बोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नीता चौबे ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं विधायक सहित नवनियुक्त जनभागीदारी अध्यक्ष माननीय सुरेश अग्रवाल जी को अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी एवं वर्षों से खाली पड़े अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने पर महाविद्यालय को एक नए आयाम एवं गति मिली है। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने माननीय सुरेश अग्रवाल जी को शुभकामनाएं दी एवं अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि अब महाविद्यालय में जो भी समस्याएं आएंगी उनको माननीय जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष रखकर अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जनभागीदारी अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने भी अपने उद्बोधन में सर्वप्रथम भारत माता के जयकारे की नारे लगाए एवं दायित्व व कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करने की बात कही। कार्यक्रम का मंच संचालन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमिताभ शुक्ला द्वारा एवं आभार प्रदर्शन इतिहास विभाग अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डीएस खत्री सर के द्वारा किया गया। इस समारोह में माखन नगर के गणमान्य नागरिक सहित जनपद अध्यक्ष श्रीमती सावित्री परनामे एवं नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रीना आकाश तिवारी मौजूद रही। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज में।